नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं 19 की 19 कहानियां। आज सबसे पहले आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकारों को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने छोटे और मझोले किसानों को खेतों के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा देने का आदेश दिया है। साथ ही किसानों को कहा है कि वो पराली न जलाएं। वहीं पराली पर हो रही पॉलिटिक्स पर जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सच जानने की कोशिश की। दिल्ली में धुएं और धुंध ने लोगों को घर में कैद कर दिया है। प्रदूषण की वजह से देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। हालात इतने खराब थे कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, और इन सब के लिए सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जो लोग भी इस पराली को लेकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान पराली जला रहे हैं, अब उस कहानी को समझिए। समझ गए ना आप? कहानी यह है कि पराली किसान नहीं जलाता, पराली तो किसान बेच देता है। एक एकड़ की पराली 3,000 रुपए में बिक जाती है। तो न उधर से कोई संवाद है, न इधर से कुछ कोई संवाद है, बस कोई संवाद नहीं है, सिर्फ चर्चा है कि पराली जल रही है और पराली जलने से प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते ही सबसे पहले पराली पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। पराली जलाने को प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन पराली का सच क्या है? पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण और उसका सच क्या है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम हरियाणा के खेतों में पहुंची। ये सोनीपत का तिहाड़ मलिक गांव है, जहां जी न्यूज की टीम ने किसानों से बात की, पूछा आखिर पराली जलाई क्यों जाती है। लेकिन जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देश दुनिया में बैठे लोग जिसे पराली कहते हैं, दरअसल वो पराली नहीं, पटूस है। ये जो जल रहा है ये पराली नहीं है, ये किसान खुद बताते हैं। अब ये क्या है और इसको क्यों जलाया जाता है, हम जरा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। पराली तो जी हमने धान कटवा के पराली तो बेच दिया है, और जो पराली से हम धान को बरसाते हैं उस टाइम उससे पटूस निकलता है, उस पटूस को हम फूकते हैं। अगर हम उसको किसी रास्ते या रोड पे डाले तो वहाँ भी मजबूरी है, और न वहाँ गेहूँ जमता है। वो होता है कम से कम बस एक गठड़ी वगैरह होता है, बस उसी को हम फूक देते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब हरियाणा के किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के सख्त आदेश दे चुका है। देश में बढ़ते प्रदूषण से आम इंसान ही नहीं बल्कि भगवान पर भी असर दिख रहा है। वाराणसी में भक्तों ने भगवान की प्रतिमाओं को भी मास्क पहना दिया है, जिससे उन्हें प्रदूषण के खतरे से बचाया जा सके। दिल्ली समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्से में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। इसकी चपेट में धर्म नगरी वाराणसी भी आ चुकी है। भगवान को जहरीली हवा से बचाने के लिए मास्क पहनाए गए हैं। पुजारियों के मुताबिक जब लोगों ने प्रतिमाओं को मास्क पहने हुए देखा, तब वो भी प्रदूषण से बचाव के लिए खुद मास्क पहनने लगे। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल आर्थिक मदद देने का आदेश दिया गया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है कि 7 दिन के अंदर छोटे किसानों को आर्थिक मदद दी जाए। 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये मदद दी जाए किसानों को, ताकि वो पराली जलाने के लिए मजबूर ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला पराली को लेकर, किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल आर्थिक मदद देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं आसमान छू रही हैं प्याज की कीमतें, और प्याज की बढ़ती कीमतें पब्लिक को रुला रही हैं। 3 महीने में प्याज की कीमतें 100 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या भोपाल, प्याज की बढ़ती कीमतों ने खाने का जायका बिगाड़ दिया है। प्याज की कीमतें एक बार फिर आम लोगों के आंसू निकाल रही हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों ने थाली का स्वाद बिगाड़ दिया है। देश में एक बार फिर प्याज के दाम 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। 1 महीने में दूसरी बार फिर से प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये हैं कि खुदरा बाजार में लोग 100 रुपए प्रति किलो प्याज खरीद रहे हैं। मुंबई में प्याज के दाम सबसे ज्यादा 100 रुपए किलो पहुंच गए हैं। भोपाल और ग्वालियर में भी प्याज 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है।
दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज 80 रुपए बिक रहा है। पटना और लखनऊ में भी प्याज की कीमतें 80 रुपए हो गई हैं। चंडीगढ़ में प्याज 80 रुपए जबकि कोलकाता में प्याज के दाम 70 रुपए किलो पहुंच गए हैं। हम आप पहुंचे हैं दक्षिण कोलकाता के जदू बाबू बाजार सब्जी मंडी में। आप देखिए यहाँ पर जो है प्याज बिक्री हो रही है और काफी एक हफ्ते के अनुसार जो है दाम बढ़े हैं। जहाँ एक हफ्ते पहले ये 55 रुपए से 60 रुपए तक एक किलो का दाम था इस प्याज का, फिलहाल अभी 70 से 80 रुपए प्रति किलो प्याज यहाँ पे बिक रहा है। प्याज के दोबारा बढ़े दाम को लेकर सरकार की परेशानी बढ़ गई है। प्याज की कीमतों पर केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बैठक की। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज आयात करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की और इजिप्ट से प्याज मंगवाने जा रही है। साथ ही मंत्रियों के अलग अलग ग्रुप महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जाकर प्याज के स्टॉक की जानकारी लेंगे। हमने अपने विदेश मंत्रालय से कहा है कि इजिप्ट है, अफगानिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, ये चारों कंट्रीज हैं, यहाँ से क्या कहते हैं कि वो बात करें वहाँ की सरकार से, और जो प्राइवेट इम्पोर्टर्स हैं उनको प्रोत्साहित करें कि वहाँ से ला करके जो है लावे। बाजार में प्याज की किल्लत के लिए जमाखोरों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। यही वजह है कि खुदरा व्यापारी प्याज की जमाखोरी करने वाले बड़े व्यापारियों के खिलाफ भी सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्याज के आसमान छूते दामों से आम लोगों के साथ साथ सरकार भी परेशान है। जमाखोरों को भी आपने बोला है कि कार्रवाई करें, उसको तो बार बार हम लोग लिखते हैं कि उसके खिलाफ में कार्रवाई करो। महाराष्ट्र में प्याज किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बेमौसम बारिश की वजह से प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मुंबई की सब्जी मंडी में प्याज 80 से 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। दिवाली बीते हुए अब एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि इस वक्त मुंबई की जो मंडी है उनमें जो प्याज बिक रहा है, अगर मैं थोक की बात करूं तो 60 से 70 रुपए किलो, और यही भाव अगर हम रिटेल में बात करेंगे और मुंबई जैसे शहर के हिसाब से बात करेंगे तो अलग अलग हिस्सों के हिसाब से 80, 90 और यहाँ तक कि 100 रुपए किलो तक में रिटेल में ये इस वक्त आम ग्राहक यानी एंड यूजर तक पहुंच रहा है। चेंबूर में रहते हैं और आप दादर में आए खरीदारी के लिए? हाँ, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है माल। अभी कितना चल रहा है? आपने पता किया? मैंने खरीदे का सब 100 रुपए चल रहा है उधर किलो, और तो प्याज तो भी आग लगेगी, 100 रुपए वो किलो भी हो जाएगा। यही बता, 45 दिन खेती लेट होने की वजह से इसका भाव करने का और स्टॉकेज जो माल था पहले का वो सब खत्म हो चुका है। बजट पे असर पड़ता है और कम होना चाहिए, बहुत महंगा लगे। दिल्ली NCR में भी प्याज की कीमतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंच गई हैं। कई जगहों पर प्याज 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की कीमतें बढ़ने से किचन का बजट बिगड़ गया है। किचन का बजट तो एक्चुअली बहुत बिगड़ा हुआ है। विद इन 1 month से हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब प्याज वो तो हर वेजिटेबल्स हर सब्जी में हम लोग डालते हैं। केवल प्याज नहीं, मतलब सभी सब्जियों के दाम बिगड़ रहे हैं, तो फिर किचन का बजट तो हम लोग को सोच के ही करना पड़ता है। बिहार में भी प्याज की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पटना में प्याज के खुदरा कीमतें 70 रुपए किलो से बढ़कर 80 रुपए किलो हो गई हैं। प्याज विक्रेताओं का कहना है कि बारिश के कारण आपूर्ति में कमी और फसल नष्ट होने से प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। थोक का 70-75 रेट हो सकते आगे भी चले जाएगा। फसल खराब हो गई ना, महाराष्ट्र वाली प्याज कम आ रही है। पूरा धंधा चौपट हो गया, कोई नहीं खरीद रहा, बिकना बंद हो गया, एक ग्राहक नहीं लिया प्याज। MP की राजधानी भोपाल में भी प्याज लोगों की थाली से गायब हो रहा है। प्याज 80 रुपए से 100 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। देश भर में प्याज और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी प्याज और टमाटर ने ना सिर्फ लोगों को महंगाई से लाल और आंसू निकाल दिए हो, तमाम लोग आप देख सकते हैं सब्जी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सब्जी के दाम दुगने हो गए हैं। प्याज अभी 70 रुपए किलो चल रही है, ये सड़ी से सड़ी प्याज भी अभी 40 रुपए किलो मिल रही है। प्याज तो इस टाइम पे पब्लिक कह रही है क्या खाएं, प्याज 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, पब्लिक कह रही है गिरावट करो, अपन कहाँ से करें। प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्याज खरीदें या ना खरीदें। तो 3 महीने में प्याज की कीमतें 4 गुना बढ़ चुकी हैं। 20 से 25 रुपए किलो मिलने वाला प्याज अब 100 रुपए तक पहुंच गया है। आप ये समझिए कि प्याज की कीमतें कैसे बढ़ी। देखिए, अगस्त महीने में खुदरा बाजार में प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा था,
लेकिन सितंबर में इसके दाम 45 रुपए किलो तक पहुंच गए और उसके बाद अक्टूबर में ये दाम 60 किलो के आसपास थे, जो अब करीब 80 से 100 रुपए किलो हो गए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने की अटकलें खारिज कर दी हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार बनाने पर जल्द ही गुड न्यूज वहां से आने वाली है। बीजेपी ने कल पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने और सस्पेंस बढ़ा दिया है। शरद पवार ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने की खबरों पर विराम लगा दिया है। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को सरकार बनाने का जनादेश मिला है, इसलिए वो ही सरकार बनाएंगे। सेना एंड बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, इसलिए वो विपक्ष में ही बैठेंगे। शरद पवार ने शिवसेना के साथ 2.5 साल सरकार चलाने और मुख्यमंत्री बनने की बात को भी खारिज किया है। शरद पवार के इनकार के बाद शिवसेना भी बैकफुट पर आ गई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना के तेवर नरम पड़ गए हैं। कल तक बीजेपी से मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगने वाली शिवसेना अब सरकार बनाने से ही इनकार कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर जल्द ही गुड न्यूज आएगी। पवार साहब देश के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मार्गदर्शक है सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में अब तक सरकार क्यों नहीं बन रहा है, राज्य में अस्थिरता है, वो चिंता उन्हें भी जताई बातचीत में। थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है, आगे की बात आगे सोचेंगे। सब आपको बात करेंगे। हमने तो बार बार कहा है कि सरकार माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में बनेगी। वो मतलब मुख्यमंत्री पद पर आड़ी हुई है और बीजेपी मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी रास्ता पूरा साफ हो चुका है। अभी शिवसेना को बीजेपी के साथ आने के बगैर दूसरा कोई पर्याय नहीं है। नतीजे आए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्सा कशी जारी है बीजेपी और शिवसेना के बीच।